एवरीवन, मैं सेल्फ रानी कुमारी, स्टूडेंट ऑफ फ्रीडम क्लासेस। आज मैं आप लोगों के साथ रेस्ट एंड मोशन पे डिस्कशन करना चाहती हूँ। जो मैंने सीखा वो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करती हूँ। तो सबसे पहले हम रेस्ट के बारे में जानते हैं कि रेस्ट होता क्या है। रेस्ट डज नॉट चेंज इन द पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेस्ट। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है वह टाइम के साथ अपने पोजिशन में चेंज नहीं करता है तो वह ऑब्जेक्ट रेस्ट में कहलाएगा। अब मोशन क्या होता है वो जानेंगे। मोशन द चेंज इन पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। मतलब यही कि कोई ऑब्जेक्ट है जो टाइम के साथ अपने प्लेस को या पोजिशन को भी चेंज कर लेता है। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है जो पोजिशन ए पर किसी एक टाइम पे है और वह टाइम के साथ अपने पोजिशन को चेंज करते हुए पोजिशन बी पे जा रहा है तो वह ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। अब हम लोग डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, जो कि इस मोशन से ही रिलेटेड है। अब हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानेंगे। डिस्टेंस द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। मतलब जो डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी भी अपने पोजिशन चेंज करने के दौरान किसी पोजिशन में पहुँचते हैं उसमें जो भी पथ कवर होता है उसी को डिस्टेंस कहते हैं। इसको हम डी या एस से भी डिनोट कर सकते हैं और इसका SI यूनिट मीटर होगा। यह एक स्केलर क्वांटिटी है। अब हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानेंगे।
displacement, the shortest path covered by an object from initial to final point in a straight line is called displacement. मतलब displacement वही है किसी object के द्वारा जो distance cover किया जाता है, तो वो distance क्या cover किया जाता है, वो तो total distance हुआ, but किसी भी उसी स्थान पर अगर किसी हम shortest path से cover करते हैं in straight line is called displacement. It is denoted by S and its SI unit is also meter. Next हम जानेंगे difference between distance and displacement. Thank you.
difference between distance and displacement. Distance, it is the total path covered by the distance, but displacement is the it is the shortest path from initial to final point. Second point, distance, it is a scalar quantity which have only magnitude, not direction. मतलब यही कि distance जो है वो scalar quantity है. किसी भी distance के लिए जरूरी नहीं है कि उसके पास कोई fixed direction हो वो किसी भी direction में कोई भी distance cover कर सकता है. But in displacement, it is vector quantity that have both magnitude and direction. मतलब displacement जो है वो किसी एक direction में ही कवर करता है या स्ट्रेट लाइन में. थर्ड पॉइंट, डिस्टेंस इट नेवर कैन बी नेगेटिव और जीरो, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. मतलब यही कि डिस्टेंस जो है वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा और नेगेटिव में कभी नहीं होगा, हमेशा वह पॉजिटिव में होगा. बट डिस्प्लेसमेंट इट कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो. डिस्टेंस जो है कभी कभी घट भी सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो की इक्वल भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है. बट डिस्प्लेसमेंट इट डिस्टेंस इट इज ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट. मतलब डिस्टेंस जो होता है वह डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा या डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा. बट डिस्प्लेसमेंट यह डिस्टेंस से छोटा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, लेकिन ग्रेटर कभी नहीं होगा. यही डिफरेंस है बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. अब हम एक एग्जांपल के द्वारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच डिफरेंस और उसके मैग्नीट्यूड को भी कैलकुलेट करेंगे. तो क्वेश्चन है, राम ट्रेवल्स ऑन अ स्ट्रेट रोड, ही गोज फ्रॉम ए टू बी. द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी इज 4 किलोमीटर. नाउ फ्रॉम बी ही टर्न्स बैक एंड ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर टू रीच द पोजिशन सी. क्वेश्चन में कह रहा है एक राम नाम का लड़का है जो कि किसी पोजिशन ए से बी पर ट्रेवल करता है जिसका डिस्टेंस 4 किलोमीटर दिया हुआ है. फिर वह पोजिशन बी पर जाके वहाँ से रिटर्न बैक होता है और वह पोजिशन सी पर आता है और जहाँ मतलब बी से सी के डिस्टेंस 2 किलोमीटर होता है. मान लेते हैं पोजीशन ए ये है, यहाँ से वो बी तक जाता है जिसका डिस्टेंस है 4 किलोमीटर. फिर यहाँ से वो बैक होके सी पे आता है जिसका डिस्टेंस है 2 किलोमीटर. तो इस क्वेश्चन में हमें टोटल डिस्टेंस पता करना है जो कि राम ने कवर किया. तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, पहले ए से बी पे गया फिर बी से सी आया, तो ए टू बी का डिस्टेंस क्या होगा, 4 किलोमीटर एंड बी टू सी का 2 किलोमीटर. देन टोटल डिस्टेंस इक्वल टू पोजिशन ए बी प्लस बी सी. ए बी का डिस्टेंस कितना दिया है, 4 किलोमीटर, देयरफॉर यहाँ पर 4 किलोमीटर होगा एंड बी सी 2 किलोमीटर एंड टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 6 किलोमीटर. इससे हम टोटल डिस्टेंस निकाल लिया. अब हम लोग को डिस्प्लेसमेंट निकालना है. डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल टू फाइनल पॉइंट का जो बीच का शॉर्टेस्ट पथ है उसी को कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट. तो राम का इनिशियल पॉइंट ए हो गया और फाइनल पॉइंट सी हो गया, इसीलिए इस ये दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा डिस्प्लेसमेंट होगा. पहले तो राम ए से बी गया, फिर तो टोटल हो गया 4 एंड डिस्प्लेसमेंट वो रिटर्न होकर 2 किलोमीटर कवर कर लिया, इसलिए इनिशियल ये हो गया और फाइनल ये हो गया. इसके अनुसार हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं. इसके इनिशियल पॉइंट के लिए हम लिख सकते हैं ए और फाइनल के लिए लिख सकते हैं सी. यहाँ पे हो जाएगा टोटल, यहाँ 4 हो गया जो कि ए टू बी और यहाँ पे बी टू सी. ए बी कितना था, 4 किलोमीटर, देन बी सी 2, देयरफॉर 2 किलोमीटर.
डिस्टेंस हमारा होगा 2 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस इनिशियल टू फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस का 2 किलोमीटर है, यही हमारा आंसर होगा। थैंक। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।